बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सईदास किचन एंड ब्लॉगिंग। तो गाइज़ होप करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। माह रमज़ान चल रहे हैं, बरकतों का इबादतों का महीना है, तो आप लोग मेरी रेसिपी से अच्छे अच्छे खाने बनाकर खा रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में सेरी स्पेशल लस्सी की रेसिपी लेके हाजिर हूँ। तो बगैर किसी देरी के लस्सी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। मैं पूरी रमज़ान रेसिपी भी शेयर कर रही थी और पूरे माह रमज़ान में मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर की है। बरकतों का इबादतों का महीना है और लास्ट अशरे के 3 to 4 डेज़ रह गए हैं, तो मैं आप लोगों को डे बाई डे रेसिपी वगैरह शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सेरी स्पेशल लस्सी की रेसिपी लेके आई जाए। तो मैंने एक जग ले लिया है और उसके अंदर तकरीबन एक प्याला भरकर दही शामिल की है और 2 गिलास भरकर मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक प्याला दही लेनी है, 2 कप भर के दूध लेना है। आप लोग दूध जो है वो पाउडर वाला भी ले सकते हैं और अगर दूध लिक्विड में है तो आप लोग लिक्विड भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग चीनी शामिल करिएगा। मुझे थोड़ी मीठी लस्सी पसंद है तो मैंने थोड़ी चीनी ज़्यादा रखी है। थोड़ा सा नोक पे आप थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे क्योंकि नमकीन लस्सी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल नोक से ही इसमें नमक भी शामिल कर दिया है, चीनी भी शामिल कर दी है और मैंने अब ग्राइंडर में लेके इसको अच्छी तरीके से जो है वो ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें झाग आएगा बिल्कुल प्रॉपर, आप लोगों को भी वैसे ही करना है। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल रेसिपी है। आप लोग सेरी में बनाकर पिएं, सेरी में आप लोग पियेंगे तो आप लोगों को रोज़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि पेट के लिए भी अफादियत है और आप लोगों को रोज़ा और प्यास वगैरह भी नहीं लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर बर्फ़ की क्यूब्स वगैरह डालूंगी, आइस क्यूब वगैरह भी डालूंगी। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही डालिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने नमकीन लस्सी बनाई तो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग टेस्ट वगैरह भी करिएगा अपने घर में बनाकर और मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद मैं इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स वगैरह भी डालूंगी, आइस क्यूब्स वगैरह डाल के अच्छी तरीके से इसको कप वगैरह में निकालूंगी और सेरी में मैं इसको अपनी फैमिली के साथ पीऊँगी। और यहीं से अपनी रेसिपी को एंड करती हूँ। रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की बनाई जाए। तब तक के लिए बस आप लोग मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।